हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृतिराज किचन। आज हम बनने वाले हैं रेड वेलवेट केक, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर में नमक और सैन लगा दिया है और कुकर की रिंग और सीटी निकाल दी है। अब हम कुकर को 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। सबसे पहले हम एक बाउल में दूध डालेंगे और दूध में हम विनेगर डालेंगे और इसे थोड़ा मिक्स करके 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे ताकि दूध फट सके। तब तक हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम एक बाउल में छन्नी रखेंगे और छन्नी में हम मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ये सब डाल के छान लेंगे। छानने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है और यह हमारा दूध भी फट चुका है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल के बाद हम इसमें शुगर पाउडर डालेंगे और इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यह अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें रेड जेल कलर डालेंगे और इसे भी हम मिक्स करेंगे। अगर आपको कलर डार्क चाहिए तो आप इसमें और रेड कलर यूज कर सकते हैं। हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसे मोल्ड में भर लेंगे। मोल्ड में भरने के बाद हम इसे टैप करेंगे और प्रीहीट हुए कुकर में रखेंगे। अब हम कुकर को बंद करेंगे और इसे 30 मिनट तक मीडियम फ्लेम में बेक करेंगे। 20 मिनट बाद हमारा केक अच्छी तरह से फूल गया है और टूथपिक भी बिल्कुल साफ निकली है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक हम क्रीम चीज़ को बीट कर लेंगे। ये होममेड क्रीम चीज़ है। यहाँ मैंने क्रीम चीज़ को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब हम इसमें शुगर पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। शुगर पाउडर के बाद हम इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारी क्रीम चीज़ अच्छी तरह से बीट हो गई है। ये बहुत क्रीमी भी लग रही है। अब हम इसमें व्हिप क्रीम डालेंगे और इन दोनों को हम साथ में बीट करेंगे। ये अच्छी तरह से फ्लफी और बीट हो गई है और हमारा केक भी अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसे डिमोल्ड करेंगे। डिमोल्ड करने के बाद हम इसके 3 लेयर कट करेंगे और ये थोड़ा ऊपर का हिस्सा कट करके हम इसके क्रम्बल्स तैयार करेंगे। लेयर कट करने के बाद हम इसे शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। अब हम एक लेयर लेंगे और इस पे बीट की हुई व्हिप क्रीम लगाएंगे। इसे अच्छी तरह से आपको स्प्रेड करना है। अब हम सेम प्रोसेस बाकी के लेयर पर भी करेंगे। अब हम इस पर लास्ट लेयर लगाएंगे और पूरे केक को व्हिप क्रीम से कवर करेंगे। व्हिप क्रीम को केक पर लगाने के बाद हम इसे डिजाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने स्टार नोजल का यूज किया है। डिजाइन करने के बाद हम इस पर बनाए हुए केक के क्रम्बल्स डालेंगे। मैंने इसके ऊपर क्रम्बल लगा दिए हैं और साइड से भी क्रम्बल लगा दिए हैं। हमारा केक तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय फ्रेंड्स।